गाइस पता है शिनचैन इतना मतलब ही हो गया ना, उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया भाई। उसके बाद पैसा क्या आया वो अपने बड़े भाई को भूल गया और उसने मुझे धक्के मार के कुछ कपड़े और कुछ पैसे देके निकाल के घर से फेंक दिया कि मेरे पास कुछ ऑप्शन अवेलेबल नहीं है और मैं यहाँ पर दर बदर फिर रहा हूँ और कोई काम धंधा मेरे पास नहीं और कुछ पैसे बचे, देखते भाई क्या जिंदगी में कटता है। अरे कल्लू इधर आ रहे, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरे बैग में क्या, पैसे मेरे को दे। ए चल रहे बेडू पैसे लेके जल्दी से यहाँ पर, वरना तेरे को मैं मार मार के भूसा बना देगा। चल पैसे निकाल फटाफट से, मेरे को मत मारो प्लीज, प्लीज मत मारो, मेरे पास कुछ नहीं है। देख रहे हो गाइस ये दुनिया कितनी बेरहम है। पहले मेरे छोटे भाई ने मुझे घर से निकाल दिया पैसों के लालच में और कुछ पैसे थे मेरे पास 1000-2000 रुपए, वो इन गरीबों ने मेरे से लूट लिया और खुद तो गरीब थे मुझे और गरीब बना दिया भाई। वो इतने गुंडे थे, गुंडे गरीब भी होते आजकल भाई पता नहीं था मुझे, पर यार देख रहे हो इतना खराब हालत है। पर यहाँ पर रुको, कुछ तो मेरे को आवाज आ रही है यहाँ से, चलते जरा पास में और देखते कि आवाज आ कहाँ से रही। और यहाँ पर आने के बाद देख रहे हो कि भाई कुछ लोग बंदर आदमी या बंदर पता नहीं कौन है बट उसको मार रहे, बट चलो पास जाके देखते कि क्या ही हो रहा है। बट भाई कुछ मार भी नहीं रहा, रिफ्लेक्शन भी नहीं दे रहा है। रुको भैया बॉटल पड़ी हुई कांच की, उसकी मदद करना जरूरी बनता है। अपन कांच की बॉटल उठाते और लेके जाके मारने की ट्राई करती है, अपने अंदर हिम्मत तो है नहीं बट मैंने यहाँ पर कांच की बॉटल ले ली है और तोड़ के भाई साहब इनको टेक डाउन करते, भाई बचाना तो पड़ेगा ना। पता नहीं क्यों बट इस जगह पे हिल नहीं रहा है बंदर। बंदर मामा हटो कम से कम वहां से। कलवे तेरी हिम्मत ऐसी हमको मारने की, निकल जाए यहाँ से, तेरा काम धंधा यहाँ पर नहीं है। अबे कलवे किसको बोल रहा है, टकले मामा चल निकल टकला साला। एक और रुको एक लास्ट बच्चा फिर भी उसको मार रहा है, बोलो इसको एक मारूंगा मर जाएगा ये ले तू निकल। अरे मर, अरे सॉरी यार सॉरी बंदर अंकल, सॉरी सॉरी गलती से लग गया। अब आप हो कौन, बोल क्यों नहीं रहे हो। मैं हूँ एक किंग, बंदरों का राजा। मैं आया था इस दुनिया में देखने के लिए कि इंसान कैसे होते हैं। इंसानियत बची है, तूने मेरी मदद की है, उससे पता चलता है कि तूने अपना खून बहाया है मेरे लिए और मैं इसीलिए बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं बहुत खुश हुआ हूँ, मैं तेरी एक इच्छा पूरी कर रहा हूँ। तू बहुत गरीब लगता है, तू आज से अमीर हो जाएगा, तू किसी चीज को भी छुएगा ना वो सोने की बन जाएगी। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे भाई लोग तुमने भी सुना कि नहीं, मैंने सुना या गलत सुना समझ में नहीं आ रहा बट वो जो बंदर राजा थे उन्होंने मुझे कहा है कि मेरी कोई भी इच्छा पूरी हो जाएगी, मतलब मैं किसी भी चीज को छूंगा वो सोने की बन जाएगी। अबे क्या बात कर रहा हूँ सच में। अबे ये तो टेस्ट करना तो बनता है ना, पर मेरे पास गाड़ी है नहीं। रुको यहाँ पर कोई भी सड़क पे गाड़ी रहेगी उसको चुरा लेंगे। यार यहाँ पार्किंग में गाड़ी खड़ी है बट चलो यार ये ट्रक है रोली है क्या है पता नहीं बट यार दिखने में तो मस्त दिख रही है। बट इसको अगर सोने का बन गया बैठने के बाद तो भाई अपनी तो किस्मत बदल गई ना भाई यार, रातों रात अपन अमीर बन जाएंगे। रुको पहले बैठ के देखते भाई काम कर रहा है नहीं हमारा मैजिक। और लॉन्डो देख रहा हूँ भाई सच में काम कर रहा है, ये खटारी गाड़ी थी भाई पूरी सोने की बन गई है, किसकी है पता नहीं बट भाई सोने की देख के भाई मन में तो ऐसा लग रहा है कि अभी जाके बेच दूं। बट यार अभी शाम का टाइम हो गया, सिमरन अंकल गैरेज पे नहीं होंगे, अपने को सुबह होने का वेट करना पड़ेगा। बट यार ये मैजिक सिर्फ इसी गाड़ी एक ही गाड़ी के लिए काम कर रहा है कि और गाड़ी के लिए भी काम करेगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक बार ट्राई करके देखेंगे। यहाँ पर कोई और गाड़ी दिखाई देगी ना अपने को अच्छी सी गाड़ी, उसको ट्राई करेंगे बैठने के बाद, देखते वो सोने की बनती है या नहीं। एक मिनट रुको मेरे को वो दिखाई दे रही है बहुत ही मस्त गाड़ी दिखाई दे रही है, यहाँ से उसके पास चलते और देखते कि भाई ये सोने की गाड़ी बन सकती है या नहीं। इसको आगे जाके रोकते और भाई अगर ये सोने की बन गई ना तो भाई साहब वीडियो को लाइक नहीं करेगा ना, वीडियो को लाइक करके ही जाना ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर देना भी तो नहीं किया रहेगा। तो रुको भाई इसको उतारते हैं भाई। आंटी आंटी निकलो बाहर चलो फटाफट से, आज के बाद गाड़ी मेरी होगी वरना दिख रहे हो यहाँ पर ना खोप दूंगा अंदर। बैठते गाइस लेट्स गो से होते। ओ लोंडो भाई वीडियो को लाइक करना, इस पे तो बनता है ना लाइक करना भाई। पूरी ही फरारी दिख रही है भाई, क्या ये फरारी है लैम्बोर्गिनी क्या है, बट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना भाई। फिर वीडियो देख रहे हो, गाड़ी देख रहे हो भाई पूरी डायमंड की बन चुकी है भाई। इसको कितने का बिकेगा, कम से कम 200 करोड़ मिलेगा भाई इसको बेचने के बाद, तुम्हारा भाई बन चुका है करोड़पति गाइस। और चलते हैं सिमरन अंकल के पास, बट रात होने वाली तो अभी का टाइम मुझे इसी गाड़ी में गुजारना पड़ेगा। फाइनली सुबह होने के बाद मैं आ चुका हूं सिमरन अंकल के पास, यहां पर बहुत ही लग्जरी गाड़ी यहां पर खड़ी है, सिमरन अंकल वहां पर खड़े। चलो बात करके सिमरन अंकल से, सिमरन अंकल कहेंगे कि भाई ये आपके लिए मैं गोल्डन कार लाया हूं। ए बेटे फिर हाथ में क्या, ये तुम्हें को मारने है? अरे सिमरन अंकल आपको मारने नहीं है बट मैं आपके लिए गोल्डन कार लाया हूं। अरे बेटे क्या बात कर रही है, तो फरारी है ना 200 करोड़ की फरारी गोल्ड की, भाई तेरे को 200 करोड़ दूंगा मैं। देखो 200 करोड़ मत दो मेरे को, 100 करोड़ की गाड़ियां मेरे घर पे लाके रख दो, 100 करोड़ मेरे बैंक में ट्रांसफर कर दो। अरे ठीक है बेटा तेरा नंबर मेरे पास है, मैं तेरे को ट्रांसफर कर दूंगा तेरे अकाउंट में 100 करोड़ रुपए। अरे ठीक है यहाँ से मैं गाड़ी एक लेके जा रहा हूँ बट मेरे घर पहुंचने से पहले मैं घर का एड्रेस आपको मैसेज कर दूंगा। घर पहुंचने से पहले कम से कम 7-8 गाड़ी मेरे घर के सामने खड़ी होनी चाहिए भाई, बता दे रहा हूँ। पैसे आपको 100 करोड़ लेके जा रहा हूँ मैं। अरे बेटे ठीक है चले जा अभी। देखो अरे बेटे क्या बात कर रहे हो, गोल्ड की बन गई, तेरा जादू है? अरे हाँ सिमरन अंकल मैंने आपको बताया नहीं मेरा जादू है। अरे बेटे मेरी बाकी गाड़ी गोल्ड कर दे। अरे सिमरन अंकल मुझे क्या मिलेगा? अरे बेटे पूरा 50% दूंगा सब गाड़ियों में। अरे ठीक है डील पसंद है मेरे को। यहाँ पर 4 गाड़ी खड़ी है दोस्तों, चारों गाड़ी को टच करेंगे, चारों गाड़ी को बनाएंगे सोने की, और ये शायद से इनोवा खड़ी है। क्या भाई इनोवा कहाँ पहुंच गई, लॉस एंजेलिस में? चलो भाई देखते सोने की बनती है नहीं। भाई सब लो बन गई ना। अरे बेटे तूने तो भाई मौज कर दी, मौज मौज बेटे मजा आ गया, पैसे पहुंचा दूंगा 50% तेरे अकाउंट में। अरे ठीक है अंकल पहुंचा देना, मेरे को जाना है
कपड़े खरीदने भाई। कब तक ये चड्डी में घूमूंगा, बनियान में घूमूंगा, मैं जा रहा हूँ भाई कपड़े खरीदने को। मेरे लिए भाई बहुत ही अमीर तुम्हारा भाई बन चुका है, क्योंकि तुम्हारा भाई कोई भी गाड़ी को छूता है वो बन जाती है सोने की। और हाँ दोस्तों, ये सब मैं तुम्हें भूल ही गया, जिस इंसान ने मुझे घर से लात मार के निकाला था उसके साथ क्या किया जाए कमेंट में जरूर बताना मुझे, क्या करना चाहिए उसके पास होगा करोड़ रुपए। बस मेरे पास तो भाई पूछो मत कितने पैसे, जानने दो, बोलना ही बेकार है। और मैं आ चुका हूँ लॉस सैंटोस के सबसे महंगे शोरूम कपड़ों के। भाई साहब यहाँ पर देख रहे हो मेरी गाड़ी क्या चमक रही है भाई, लोग देख के बौखला जाएंगे भाई। आंटी मेरी गाड़ी को देख रही है भाई, चोरी का करना सोचना मत वरना तुम्हारी तो हालत खराब कर दूंगा। गाइस तुम यहीं पे वेट करो, मैं जाता हूँ फटाफट से कपड़े बदल के आता हूँ, महंगे कपड़े पहन के आता हूँ। गाइस देख रहे हो कितना ही महंगे कपड़ा मैं पहन के आ चुका हूँ, और ये आंटी मुझे बोल रही है कि गाड़ी में राइड दे। मैंने बोला नहीं निकल भाई, तेरी औकात के बाहर ये गाड़ी है, मेरी गाड़ी। भाई साहब ये देख रहे हो पूरी गोल्ड की ऊपर से बुलेट प्रूफ है भाई, इसमें एकदम 1% भी कुछ डैमेज नहीं होगा मेरे को भाई। इसको लेके चलते हैं मेरे न्यू बंगलो में भाई साहब, वो बंगलो बहुत ही खतरनाक है। और उस एरिया में सिर्फ अमीर लोग रहते हैं भाई, दो ही बंगला है वहाँ पर, और उस एरिया में दो बंगले, एक मेरा बंगला है और एक है बहुत ही खतरनाक इंसान का बंगला, और सलमान खान का बंगला है। उसके बाद तुम्हारे भाई का बंगला, और गाड़ी तुम्हें दिख रही होगी अंदर की तरफ, कितनी ही गाड़ी खड़ी की है भाई। यहाँ पर तो कुछ नहीं भाई, कुछ दिन रुक जाओ, इतनी महंगी गाड़ी खरीदूंगा, इतनी महंगी गाड़ी खरीदूंगा कि लोग पागल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो भाई कितनी ही लेमोजीन, रॉयल्स रॉयस, फरारी, बुगाटी, जो भी नाम ले लो भाई, सब गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। मैं अभी गोल्ड की नहीं बना रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करो कि मुझे पूरी गाड़ी गोल्ड की बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, और शिनचैन से बदला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर आप देखो भाई कितनी ही लग्जरी गाड़ियां खड़ी है, और मैं भाई बौखला गया हूँ यार। बंदर राजा ने जो मुझे पावर दी है ना, वो पावर मेरे पास बहुत ही खतरनाक है भाई। ये गाड़ी सब गोल्ड की बन सकती है, कमेंट सेक्शन आप लोग सबके लिए खुला हुआ है, कमेंट कर सकते हो। और हाँ दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, उसके लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो गाइस, एंड इतना सपोर्ट और प्यार दिखाने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।